जो मतलब हमारा मन करता है वो करते हैं, और अगर स्वर्ग में जाना है तो कुछ पुण्य कर्म करने पड़ेंगे,
अच्छे से अच्छे कैसे जीना चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति मरना नहीं सीखना चाहता, सीखना चाहता कि कैसे मरे, कैसे मरा जाए। लेकिन हमारे गौड़िया मठ में हमारे गुरुदेव की शिक्षाएं ऐसी हैं जो हमें वास्तव में यह सिखाती है कि जो भगवान के धाम में एक बार चला जाता है वो उसे वापस इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता। गीता में कहा गया है, ना तत् भाषत सूर्य ना शशांक ना पावका यत् गत्वा निर्वतत्मेन तद् धाम परमं मम। अर्थात जो भगवान का धाम है वहां जिस तरह से यहाँ सूर्य और चंद्रमा इस जगत को प्रकाशित करते हैं, भगवान के धाम को यह प्रकाशित नहीं करते, बल्कि भगवान के धाम से, भगवान के नाखूनों से लाखों करोड़ों गुण सूर्य की तेज रोशनी निकलती है जिससे वह धाम हमेशा प्रकाशित रहता है। अब जैसे कि मेरी कथा में बताया गया है, मेरी एक छोटी सी कथा है, एक व्यक्ति ट्रेन में सफर करता है तो रास्ते में वो ट्रेन खराब हो जाती है, तो उसने अपनी जानकारी के लिए पूछा कि भाई क्या बात हो गई, तो उन्होंने बोला कि जी इंजन में खराबी आ गई। तो उसने पूछा कि अच्छा कितना समय लगेगा, तो उन्होंने बोला 7-8 घंटे का समय लगेगा। अब उसने सोचा 7-8 घंटे का समय लगेगा, इतने तो मैं यहाँ का शहर घूम लूंगा, तो वो शहर घूमने के लिए निकल पड़ा। तो उस दिन सहयोग से उस शहर में उस दिन मेला लगा था, तो उसने एक जगह बहुत सारी भीड़ इकट्ठी देखी, तो उसने उसमें से एक से पूछा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक में से बोला कि यहाँ पे हमारे देश का राजा चुना जा रहा है। तो राजा चुना जा रहा है वोट डल रही है, कह रहे नहीं हमारे यहाँ राजा चुनने के लिए वोट नहीं डलती। तो फिर क्या होता है, तो वहां पे एक टोपी उछालेंगे, तो वो टोपी जिसके सिर पे गिर गई वही हमारा राजा। वो बोला भाई वाह, उसके मन में उत्सुकता जगी, तो वो आए ढोलक तासे बजाते हुए, तो वो लाठी में टोपी घुमा रहा और वो जहां भीड़ इकट्ठी होती वो टोपी उछाल दी, तो वो टोपी सहयोग से उसी के सिर पे गिर गई जो वो मेला देखने आया था। और सबने उसे उठा लिया और वो बोला अरे भाई क्या कर रहे तुम, क्या कर रहे, कह रहे क्या करते अब तो तुम हमारे राजा हो, अब हम तुम्हें कहीं जाने ना देंगे। वो बोला अरे भाई मैं तो घर भी नहीं कह के आया। तो बोला कि वो तो हम सब चिट्ठी भिजवा देंगे। अब उसको महल मिले गए, उसको सोने का कमरा दिखाया, उसका नानी का कमरा दिखाया, पूरे महल का दर्शन कराया। अब उस व्यक्ति के मन में एक बात आई कि भाई मेरा कार्यकाल है कितने समय का, बोले 1 साल। अच्छा दूसरी बात बताओ, जो तुम्हारा पहला राजा था उसका क्या, बोले उसकी मत पूछो तुम बात, नुको नहीं नहीं पूछना पड़ेगा, फिर मैं भी तो सोचूंगा अगले साल मुझे क्या करना है। तो उसने बोला हम नदी किनारे एक बेवान जंगल है, हम उसे वहां पे छोड़ जाते हैं। अच्छा उसने बोला कि और अगर मैं राजा ना बनना चाहूँ तो उसने बोला तो चलो हम तुम्हें अभी छोड़े आएंगे। नुको नहीं नहीं फिर तो मेरे पास 1 साल का समय है। तो फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, जब 2 दिन रह गए तो वहां के मंत्री लोग बोल रहे कि राजा जी तैयारी कर लो चलना है। तो बोले हाँ हाँ अभी मेरे पास 2 दिन शेष है। फिर जैसे कि एक दिन रात को बोला राजा जी सुबह को चलना है, बोले हाँ कोई बात नहीं तुम भी चलोगे, तो नहीं हम नहीं चलेंगे। फिर सुबह को उसके जाने का समय हुआ तो राजा बोलने लगा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने साथ 10 नावों को लेके जाऊंगा। बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, शेर को खाना तुम्हें, हम क्यों खिलवाओ अपने आप को शेर को। तो बोला नहीं वहां शेर मेरे कोई नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलना। अब वो अपने साथ 10 नावों को लेके गया नदी के किनारे। अब वहां देखा वहां जंगल ही नहीं है, वहां ऐसा का ऐसा महल बनवा दिया, ऐसी ही पर्दा बसा दी उसने 1 साल के भीतर भीतर। अब कहते हैं 1 साल के अंदर ऐसी ही पर्दा बसा दी जैसे में वो रह रहा था। अब कहते हैं पैसा किसका, उनका, और उसने बसा लिया अपना दूसरा महल। अब यहां कहते हैं कि हम जो भला कि हम 1 साल के लिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अब इसमें कहते हैं कि जो हम 1 साल के लिए इस बड़ोत में शहर में 1 साल के लिए राजा बन के आए हैं, अब जो हमारी मृत्यु है वो 1 साल से कम नहीं, लेकिन उसने वहां पे भी अच्छे से राजा बन के रहा और यहाँ पे अजीवन रहेगा। तो अब यहाँ पे शिक्षा क्या मिली कि गुरु, हाँ बोला कहीं लिखा है लिख, बोलो क्या शिक्षा क्या है जो याद आ रहे हैं उसको बोलो कोई बात। तो यहाँ पे शिक्षा ये मिली कि हाँ। गुरुदेव कहते हैं कि हमें एक मतलब कि और अभी यहाँ पे भी हमें हरि नाम का जप और एकादशी का व्रत, जो लोग ये चीज करेंगे उसे निरंतर रूप से यहाँ भी मेल मिलेगा वहां भी मेल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वांछा का मतलब रूप है श्री कुमार।
श्याम सुंदर बोला। हाँ देखो, उन्होंने जो कथा सुनाई है, ये कथा हमारे बड़े गुरु जी कथा सुनाया करते थे। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर दिया है। क्या शिक्षा दिया? कहते हम तो यहाँ रहने के लिए इतना सुंदर मकान बनाए, यहाँ पर अपना काम धाम बिजनेस सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी क्या सोचते हैं इसको बाद में हमारी क्या स्थिति होगी? उसके लिए तो 5 साल के लिए उनको राज्य में राज्यत्व मिला 1 साल के लिए, लेकिन हम कोई कह सकते हैं जो श्वास छोड़ा दूसरा श्वास भी ले पाएंगे? किसको पास में कोई गारंटी है? क्या नहीं। किसको पास में कोई गारंटी नहीं? कहते निश्वास से नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति, ये निश्वास कब बंद हो जाएगा भैया, कोई इसमें कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, यहाँ रहते रहते इसको बाद में क्या हमारी स्थिति होगी उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसे राजा पहले पहले वो राज्य में जो राजा होते थे क्या होता था, जब स्वस्थ 6 महीना रह गया, 5 महीना रह गया, 3 महीना रह गया, 2 महीना, वो सर पिटना शुरू करता था। बोले क्यों, अभी हमको मरना है, क्यों हमको लेकर के वो जंगल में जहाँ पर बड़े हिंसक जंतु वहीं पर हमें छोड़ दिया जाएगा, वो तो हमें नाश्ता कर लेंगे, वो तो भोजन कर लेंगे। वो दुखी दुखी होता था, लेकिन ये व्यक्ति दुखी नहीं होता था, जितना कम दिन आ रहा था ना उतना खुश हो रहा था, उतना खुश हो रहा था। सब लोगों ने बोले भैया पहले पहले जब राजा बनते थे जितना कम दिन होते जाता था, सर पिटते थे, दुखी होते थे, तो बड़ा खुश हो, कारण क्या? कारण क्या बोले, लास्ट में दिखाऊंगा। जिस दिन उसको खत्म हो गया उस दिन उन्होंने क्या किया, यहाँ से उसका हाथ में सब कुछ था, राजा हुआ था ना, वो सब कुछ था, सैन्य सामंत रुपया पैसा सब कुछ था। उसने 1 साल में नाव में भर करके लोगों को वहां पर ले गए और ले करके जितना हिंसक जानवर थे उनके लिए सुंदर के चिड़ियाखाना बना दिया, और इधर जैसे राजमहल था इससे भी सुंदर राजमहल वहां पर खड़े कर दिया, बड़े सुंदर सुंदर प्लानी को साथ में वहां पर रोड बना दिया, पार्क बना दिया, और दुकान बाजार हाट इतने सुंदर बना दिया, इससे भी ज्यादा सुंदर वहां बना दिया। इसलिए जब उसको ले जाने के लिए तैयारी होना, हंसते हंसते गया और वहां पर बैठ गया। इसका तात्पर्य क्या है? इसी तरह हम यहाँ रहते रहते हमें ऐसे कुछ काम करनी चाहिए जो कि इसको बाद में यहाँ से भी सुंदर सुविधा और रहने का व्यवस्था हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कहते हैं भगवान की नाम जप करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति अगर करोगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जत गत्वा नन निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहाँ पर जाने पर जी फिर इस दुनिया में कभी आता ही नहीं, जहाँ पर न जन्म जब मृत्यु न दुख न आरती न उद्वेग, जहाँ पर कुछ नहीं वो आनंद आनंद धाम है, मेरे धाम है। इसलिए हे अर्जुन अगर वहाँ आना चाहते हो, उस वहाँ जाने के लिए टिकट क्या है? बोले एक ही टिकट है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमारे भारत में जब कोई शरीर छोड़ देता है उसको क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबका विवाह जुटा है। जितने तुमने प्रभु का नाम लिया तो बोले तेरे साथ में यही जा रही है। इसलिए जीवन रहते समय हमें बस खूब नाम जप कर, भगवान की खूब नाम जप कर, खूब भक्ति करो, और इसको बाद में ना बोले दीन दीन बढ़त सवाय, वहाँ माला ही माल मिलेगा, ठीक है ना? पाए जी मैंने राम रतन धन पाए। अच्छी बच्चे ने बड़ी सांस पूर्वक बोलती है, अच्छी बात, धीरे धीरे कथा हमको सीखो। क्या शुभम तुम भी कुछ बोलोगे? कुछ तैयार किया? एक दिन कुछ जो आता है वही बोलना। हाँ एक दिन नहीं तो सर्च फॉर हैप्पीनेस है ना, हाँ सर्च फॉर हैप्पीनेस उसको ही पढ़ो, ठीक है? उसको तुम्हारी बोलना भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, उसको उसको अच्छे तरह से देख रहे है, वो क्लास तुम्हारे पास में होगा ना, देख अपने परम गुरुदेव यानी तिल्ला को गांव में प्रसाद को प्रसाद प्रसाद ना प्रसाद महाराज के मन में कोई ना नाम सुनता जड़ तिल्ला को गांव में प्रसाद को प्रसाद से भी हो सिंह के महाराज के दिल में परम गुरुदेव का नाम है।
माइक के काम नहीं कर रहा है ठीक से, ये चक्कर है। गुरुदेव का आदेश पिछले कई दिनों से और कुछ हिस्सा कर रहा था। गुरुदेव का आदेश क्या थोड़ी कथा कहने का, लेकिन कथा तो गुरुदेव की कहते हैं, हम तो थोड़ा सा कोशिश करना। और जिस तरह से होता है ना, जो श्रोता होते हैं वो हंस होते हैं, हंस, और हंस की एक विशेषता है, उसको पानी और दूध मिला के दिया जाए तो दूध उसके जाए पानी कम छोड़ देगा। तो मैं क्या अच्छा कुछ कहूँ तो ग्रांटेड ना, मैं छोड़ देगा। गुरुदेव पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवत की महिमा का गान कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें, तो उसी में एक छोटी सी कथा। अब से काफी समय पहले नेमिषारण्य में 88,000 ऋषि ने एक विचार किया कि यज्ञ किया जाए, और यज्ञ भी एक दो दिन का नहीं, 1,000 वर्ष का। सारी व्यवस्था हो गई और यज्ञ शुरू भी हो गया, लेकिन उसी बीच में वहां खबर आई कि यहाँ सूत गोस्वामी पधार रहे हैं और भगवत पाठ करें। तो फिर एक सभा हुई कि अब क्या किया जाए, तो सभी ऋषियों ने एक विचार किया कि इस यज्ञ को यहीं रोकते हैं और तथागत का मान करते हैं, क्योंकि सदगुरु से श्रीमद् भागवत कथा का कोई भी कथा का भगवान की कथा पर मिलना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ बताया कि यज्ञ भी इतना छोटा बनाया गया भगवत भगवान की कथा के सामने, तो इसलिए हमेशा सदगुरु से हमें कथा सुननी चाहिए कभी भी मौका लगे। मेरे तो दुर्भाग्य है, मैं अपने चक्र में फंसा हुआ हूँ, लेकिन जब भी मौका लगे तो हमें सुनना चाहिए। मैं एक छोटी सी गुरुदेव 5 मिनट की कथा सुनना चाहता हूँ। हाँ बोलो, आज 10 मिनट सुना पूरा, आपके लिए पूरा खोला है मैदान, बोलो। हमारे गुरुदेव की यही तो मैं कोई पाबंदी नहीं, ना खाने की ना गाने की, खूब रहो खूब रहो। एक बार एक महल में एक चोर घुस गया, और चोर ने जैसे चोरी करके वहां से भागा तो उसके पीछे पुलिस लगी, राजा आके इसको किसी भी हालत में पकड़ के लाना है। तो चोर जैसे भागा जा रहा था तो एक बस्ती में घुसा, तो वहां श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी, तो वहां देखते हो उस कथा में बैठा छुपने के लिए। तो कथा में जो पाठ वो चल रहा था, चर्चा चल रही थी, वो वाल्मीकि जी का रत्नाकर की कथा चल रही थी, तो गुरुदेव बता रहे थे कि रत्नाकर जब नारद जी के संपर्क में आया तो नारद जी ने बताया कि जब कोई व्यक्ति गुरुदेव की शरण में आता है ना, तो उस दिन से उसका पुनर्जन्म हो जाता है। तो वो चोर बड़े ध्यान से कथा सुन रहा था, अच्छा ऐसा है। तो गुरुदेव ने, चोर ने वहीं बैठे बैठे सोचा, महाराज जी को मैं आपसे गुरु मानता हूँ, पूरा आपसे पूरी गुरु सब भरोसा। तो वहां जैसे वो निकल निकला, कथा समाप्त हो गई, तो पुलिस जो थे उन्होंने पकड़ लिया उसको और महल में ले गया, यही है तो हाँ महाराज यही है। तो राजा के पास एक ऐसा यंत्र था कि उसको हाथ पे रखो ना, अगर कोई झूठ बोले तो उसको हाथ जलने लगते थे। तो उसके हाथ पे वो रखा तो बोलो तुमने ही चोरी की है, के नहीं महाराज इस जन्म में तो नहीं की, मैंने चोरी की। तो उसको कुछ हुआ नहीं, जरूरी बात तो हो किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के लाए, इनको मृत्यु की सजा दो। तो उस व्यक्ति को मेरे मुझे निर्दोष व्यक्ति मारे जाएंगे, क्या महाराज वो मैंने नहीं चुराया, कि तुमने पहले मना नहीं किया कि मैंने वो पिछले जन्म में चुराया, जन्म किया क्या मतलब तुम्हारा राम राम जन्म भी हो गया तुम्हारा। तो उसने बताया कि इस तरह से मैं कथा को, गुरुदेव की कथा थी, उसने बताया कि बिना मृत्यु के पुनर्जन्म किस तरह से होता है। तो मैं तो उसके बाद मेरा ये चर्चा, तो यही है गुरु सदगुरु से कथा सुनने का लाभ कि मृत्यु ना होने के बाद भी अपना पुनर्जन्म हो जाता है। हमारा भी हुआ, गुरुदेव ने हमें जन्म दिया, वरना आज हम कुछ और होते ना भी होते। थोड़ी आत्मकथा भी बताता हूँ, कुछ को बताया कुछ को नहीं। जब गुरुदेव के शरण में आया तो शायद
ऐसी स्थिति मेरी, डॉक्टर के पास मैं जब इलाज के लिए गया तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे फर्स्ट स्टेज है कैंसर की, काफी स्थिति क्योंकि पतला है, पतला था उस टाइम पे, और अगर गुरुदेव के शरण में ना आया होता तो शायद सत्ता बनता, क्योंकि इतने अवगुण भरे थे, अट्टा शराब पता नहीं क्या क्या, और एक सबूत मेरे गुरु भाई बैठे हैं इनको बड़ा पता है, क्योंकि मुझे घर से लेकर आए उठा के लाए थे, एक तो उठा के लाना पड़ा थी, और तो वहां पे इतना ट्रोली लेकर गए थे रथ तो उठा के लाए थे, गुरु जी ये क्या मैं ये पिछला जन्म है मेरा रथ तो उठा के लाए, तो गुरुदेव का तो मैं ऋणी रहूंगा इस जन्म में और हर जन्म में, यही बात मैं करूंगा प्रोफेसर की मेरी चेकिंग लाइन गुरुदेव यही इसलिए भगवान का नाम जप करने से बड़ा महत्व है। देखो ये हमारे नोएडा में हम जाते हैं वहाँ प्रचार करने के लिए, एक व्यक्ति वो नौकरी करता था, उसको हो गया कैंसर, उनको भी कैंसर था, हो गया कैंसर, डॉक्टर ने जवाब दिया 6 महीना हो गए, 6 महीना में समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब सुना हमारे पास में बोले 6 महीना, बोले भैया फिर नौकरी करके क्या लाभ है, उसने नौकरी से रिजाइन दे दिया, लेकिन उसने हरिनाम करना शुरू किया, दिन में 1-1 लाख हरिनाम करता था, 1-1 लाख हरिनाम किया है, अब जानते हो कितना दिन जिंदा रहा, 16 साल तक तो उसने जिंदा रहा, 76 ईयर में फिर उनने एकदम जो बुढ़ापा हुआ तभी प्राण छोड़ा। इसलिए भगवान का जो नाम है ना, कहते सर्व व्याधि विनाशनम, भगवान का जो नाम है सारे व्याधियों को ये दूर कर देता है, भगवान का नाम है, हैं? इसलिए अगर हम भक्तिपूर्वक भगवान का नाम जप करेंगे ना, सचमुच से हमारे जो जन्म है, ऐसे कितने लोग हैं जिनका जीवन भगवान की भक्ति में आकर के उनके जीवन ही बदल गए। इसलिए खूब निष्ठापूर्वक क्या करो, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनि शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पूज्यपाद नित्यलीला प्रविष्णो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमद महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो, आप सभी उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। कल हम लोगों ने श्री विगत 2 दिवसीय श्री नामदेव जी का चरित्र चल रहा है, तो आज भी श्री भगवत कृपा से और श्री गुरुदेव की कृपा से आगे का चरित्र जो है हम लोग श्रवण करेंगे। एक बार श्री भगवान का मन किया कि श्री नामदेव जी की एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो इनकी परीक्षा लेने के लिए श्री भगवान ने क्या किया, एक बूढ़ा सा ब्राह्मण बनके इनके द्वार पर आया। तो जब आया तो देखिए एकादशी व्रत जो नित्य व्रत है इसका कोई उद्यापन उद्यापन ये सब नहीं होता हमारे वैष्णवों में, ये नित्य व्रत है, इसको हरिवासर भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन श्री हरि साक्षात इस दिवस में वास करते हैं, इसलिए हरिवासर। इसलिए जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक एकादशी व्रत निष्ठा से पालन करना ही वैष्णवों का कर्तव्य है। इस कारण से सभी को एकादशी का पालन जो है करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, वो आया, आने के बाद उसने भिक्षा मांगी, श्री भगवान बन करके आए बूढ़ा सा ब्राह्मण, तो आकर के नामदेव जी के द्वार पे गए तो बोले भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि। जब भिक्षा लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा नामदेव जी ने, आइए विप्र, क्या पाएंगे, फल पाएंगे कि दूध पाएंगे कि क्या पाएंगे। उन्होंने कहा मुझे अन्न खाना है, आज तो अन्न दूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि आज एकादशी है। बोले नाम देव आज एकादशी
जितनो फल खाए ले बोलो विप्र शिप्र नहीं फल सो गुजारो हो अन्नगत है प्राण मोहे अन्न दे बचाए ले कहा सुनी भई कछु भीर जुड़ गई लोग कहे नाम देव लाछन हटाए ले। उसने कहा कि पाऊंगा तो अन्न ही पाऊंगा वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा मैं अनशन करके बैठ जाऊंगा पर मेरे को अन्न चाहिए। नामदेव जी ने कहा तुम चाहे प्राण त्याग दो चाहे अनशन करके बैठ जाओ परंतु मैं आज एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप फल खाओ दूध पियो जितना मन हो दही खाओ आपका जितना मन हो उतना पाओ पर अन्न की आशा मत रखो। तो क्या हुआ गली मोहल्ले के लोग तो वैसे ही चिढ़ने वाले आए अरे नामदेव ये है तुम्हारी ब्राह्मण निष्ठा इसको अन्न दो इसको अन्न दे दो चलो आप हमारे घर चलो हमारे घर पर नहीं नहीं पाऊंगा तो नामदेव के यहां से अन्न पाऊंगा वरना नहीं पाऊंगा। तो क्या हुआ विप्र लड़ गया नामदेव जी से विप्र लड़ गयो नहीं ओरन सो लेओ नहीं कछु और ना मड़ गयो फल सो गुजर चलाए जू। आप फल से अपना गुजारा कर लो आज अन्न नहीं दूंगा। विप्र बोला यहीं से ही लूंगा और कहीं से ही लूंगा तुम्हारे दरवाजे पे अनशन कर दूंगा। तो क्या हुआ उड़ जाए प्राण पखे मिले नहीं यदि अन्न कुछ भी हो नहीं अन्न दूं लोग सुनत भय सुन लोग सुन हो गए भैया इसकी कैसी निष्ठा है कैसी निष्ठा है। तो उसने कहा कि नहीं मैं प्राण त्याग दूंगा। तो क्या हुआ उसने अनशन करके बैठ गया। नामदेव जी तो कीर्तन करते थे निरंतर कीर्तन करते थे। तो क्या हुआ ब्राह्मण अनशन पर बैठ गया अनशन दिन भर अनशन किया उसने। क्या हुआ नामदेव ने अन्न नहीं दिया नामदेव नहीं अन्न दियो और विप्र दियो दे त्याग हाहाकार मचो नगर लोग भये सब भाग। हाहाकार मच गया विप्र ने अपना शरीर छोड़ दिया विप्र ने अपना शरीर छोड़ दिया। फिर क्या हुआ नामदेव जी आए अगले दिन देखा विप्र ने शरीर छोड़ दिया। तो कहा नामदेव जी ने कहा विप्र तैनु गोद लेके बैठ के चिता में आए। नामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं इसने एकादशी के दिन प्राण त्यागे हैं और मैं ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित करूंगा मैं भी इसके साथ चिता में जलूंगा। तो नामदेव जी ने कहा मेरी वजह से ये मरा है ना तो कोई बात नहीं मैं भी इसके साथ चिता में बैठूंगा। नामदेव जी ने गोदी में लिया उनका शरीर और चिता में बैठे। क्या किया विप्र तनु गोद लेके बैठ के चिता में आए दिन ही अनुमति की लगाओ अब आग जू ही में नहानी और गलानी वाले भाव कछु पूर्ण भक्ति भाय दिए भयो अनुराग जू छोड़े हैं प्राण हरिवासर के दिन में मिले को हरी धाम याके भाग उठे जाग जू। हरिवासर के दिन प्राण छोड़े हैं ना तो चिंता की कोई बात नहीं है हरी धाम इसको प्राप्त हुआ। जैसे ही लोगों ने आग लगाई पूरब अग्नि दानते चिताते प्रकटे। क्या हुआ जैसे ही अग्नि लगाई तो जैसे ही अग्नि लगाई और धक धक करके अग्नि जली तुरंत श्री नामदेव जी को गोदी में लेते हुए साक्षात चतुर्भुज नाथ उधर ही प्रकट हो गए। शशंक चक्रम शतैक कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहि क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शरशाम चतुर्भुजम। जैसे ही नामदेव जी को गोदी में लेकर के अंक में लगा लिया है नामदेव जी को और सब लोगों ने नामदेव जी के साथ सब लोगों ने दर्शन किए और नामदेव जी एकादशी का कीर्तन कर रहे हैं जय एकादशी जय माधव तिथि एकादशी जय माधव तिथि जय एकादशी जय माधव तिथि एकादशी जय
उसके बाद नाम की कृपा, तुलसी की कृपा, एकादशी की कृपा से इनको सब जगह प्रभु के दर्शन होते हैं, हर जगह प्रभु के दर्शन होते हैं। नामदेव जी एक बार एकादशी के दिन रात्रि को ये निरंतर ये निर्जल एकादशी करते हैं और निरंतर रात्रि को कहीं कहीं जाकर के कीर्तन करते किन्हीं किन्हीं घर पे। अब ये एक घर में कीर्तन करने लगे, वहां सबने एकादशी करी पर जल से करी, बिना जल के नहीं करी, इन्होंने निर्जल की, उन्होंने जल से ही करी एकादशी। तो क्या हुआ, कीर्तन करते करते उन सबको प्यास लगाई। अब प्यास लगाई तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि कीर्तन में विक्षेप हो रहा है। जब पता चला कि वो इनके सबके होंठ सूख गए तो नामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग करो, मैं चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर के और आपके लिए जल की व्यवस्था करता हूँ सभी के लिए। नामदेव जी चले जल की व्यवस्था करने। अच्छा, चंद्रभागा नदी के किनारे यह मान्यता थी, मान्यता तो क्या कि रात को वहां पे भूत प्रेत का निवास होता और भूत वो सब कुछ, सब भूत वगैरह सब दिखते हैं वहां पे। तो गए ये नामदेव जी जल का पात्र लेकर के और जल जैसे ही चंद्रभागा नदी में डुबाया है अपना पात्र, तो पात्र भर गया। तब देखा नामदेव जी ने कि सामने इतने बड़े बड़े हाथ वाले भूत प्रकट हो गए और सारे भूतों ने नामदेव जी को घेर लिया। नामदेव जी ने सोचा कि ये और कोई तो हो नहीं सकते, एकादशी का पावन दिन है, नाम संकीर्तन हो रहा है, मुझे लगता है भूतों के रूप में साक्षात मेरे विट्ठलनाथ ही प्रकट हुए हैं। इस कारण से उन्होंने देखा तो नामदेव जी क्या बोले, नामदेव प्रेत हूं मैं प्रभु को निहारे और नामदेव प्रेत हूं मैं प्रभु को निहारे और सुयश उचारे कर धारे कर ताल जू, सुयश उचारे कर धारे कर ताल जू, योजन भर के हाथ आज आए लंबक नाथ मेरे पद भूमि स्वर्ग मात प्यारे मदन गोपाल जू, भूमि स्वर्ग मात प्यारे मदन गोपाल जू। समझ गए वो कि ये इतने बड़े बड़े हाथ है ना मेरे लंबकनाथ प्रभु, लंबकनाथ मतलब जिनके हाथ लंबे हैं वो प्रकट हो गए। हाँ, मुझको याद है क्या कि अर्जुन को दिखाया था विराट यही ठाट, आज आए मेरे घाट प्यारे नंद के दुलाल जू, देख भक्ति भाव की सच्चाई प्रभु वाही ठोर, प्रेतन के बीच में ही प्रगटे गोपाल जू। जैसे ही देखा इनकी कितनी बड़ी निष्ठा है, सब ही में सब किसी में प्रभु को ही निहार रहे हैं, तो साक्षात प्रेतों के बीच में से श्री विट्ठलनाथ भगवान तुरंत प्रकट हो गए। प्रकट होकर के दर्शन किया, नामदेव तू धन्य है, प्रेत में भी मेरा दर्शन कर रहा है, ये प्रेत में भी प्रभु का ही दर्शन करते। उसके बाद एक बार क्या हुआ, जब एकादशी का पारायण कर रहे थे ना, पारायण मतलब अगले दिन पारायण होता है, तो उसके बाद पारायण कर रहे थे तो क्या हुआ, स्नान इत्यादि करके ठाकुर जी का श्रृंगार वगैरह करके, तो क्या हुआ इन्होंने इनका मन किया कि मैं जल में चंद्रभागा नदी से मैं जल ले आऊं। तो इन्होंने सारा प्रसाद बना दिया, रोटी भी बना दी और एक पात्र में घी के कटोरे को गर्म करके रख दिया। ठीक है, बोले कि इतने में आऊंगा, इतने ये घी जो है गर्म हो जाएगा और मैं रोटियां बनाकर रख दी। इतने में क्या देखा कि एक कुत्ता आया और सीधा अंदर ही एंट्री करी इनके घर में और जहां रोटी रखी थी वो रोटी को मुंह में दबा करके भागा। अब जैसे ही मुंह में दबा करके भागा तो क्या हुआ, ये देख ये सोचे आज तक तो कभी कोई कुत्ता ऐसे आया नहीं डायरेक्ट, उसको कैसे पता चला कि सामने रोटी रखी है। तब समझ गए कि ये और कोई नहीं साक्षात मेरे हरि आए हैं। तो जैसे ही देखा इन्होंने और सामने देखा रोटी लेकर के जा रहे हैं तो ये घी का कटोरा लेकर के उनके पीछे पीछे दौड़े, प्रभु घी तो लगा लो, घी तो लगा लो। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, हाँ पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, हाँ नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, हाँ पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु जी सुखी तो न खाओ थोड़ा घी तो ले।
अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, हरि जी रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। हाँ तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की। हाँ मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, चाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, ऐसे गिरिधर बसाया हर श्वास में। हाँ पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे, पीछे पीछे घी का कटोरा लिया और जाकर के नाथ, जब जैसे घी का कटोरा लेकर गए तो साक्षात हरि प्रकट फिर से हो गए विठ्ठलनाथ। धन्य है नामदेव तेरी निष्ठा धन्य है, सभी के भीतर तूने मेरा दर्शन कर ही लिया। एक बार क्या हुआ, एकादशी के दिन नाम कीर्तन करने गए ये किसी के यहाँ। जैसे नाम कीर्तन करने गए तो क्या हुआ, नाम कीर्तन करने के लिए गए तो पीछे से इनके घर में आग लग गई। अब आग लग गई पीछे से तो क्या हुआ, इनको पता बताने के लिए आ रहे लोग, अरे तुम्हारे घर में नामदेव आग लग गई। तो ये क्या कह रहे हैं, आग लग गई तो तुम मुझे क्यों परेशान करने आए हो, अरे जीवन के दिन दिन में आग लगे जा रही है, दिन दिन कम हो रहे हैं, तुम्हें घर की आग की पड़ी है, तुम जाओ मुझे एकादशी का कीर्तन करने दो। तो ये कीर्तन करने लगे, महाराज घर धू 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 करके जलने लगा। सारे के सारे लोग क्या बोले कि कोई बात नहीं, ये सत्य है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या कि हम लोग एक काम करते हैं, कुछ कुछ सामान जो है जो ला सकते हैं अंदर से वो ले आते हैं। तो कुछ कुछ सामान वे लोग लेकर के आए अंदर से और बाहर रखा। जैसे ही नामदेव आए, आग लग रही थी, नामदेव ने देखा कि ये सामान अंदर से बाहर ला रहे हैं। जब बाहर ला रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा, नामदेव जी ने क्या किया, लोगों ने सोचा ये भक्त है भाई इसका सामान ले आए। आए नामदेव गुण गाए पांडुरंग के ते, प्रबल अग्नि कांड निज नैनन निहार जू, हिय में ना हानि ओ गलानी वाले भाव कछु, वस्तु सबरे उठाए लगे अग्नि हूं मैं डाल जू, किन्ही अति कृपा मेरे जीवन आधार प्रभु, अग्नि रूप धार अपने आंगन पधार जू, भीतर की तो वस्तु सब किन्ही स्वीकार प्रभु, बाहर के सब चीज कीजे अंगीकार जू, प्रभु आप मुझे पता है अग्नि रूप में आप ही साक्षात आए हैं, तो आपने क्या किया, अंदर की चीजें तो स्वीकार कर ली, अब लो जो बाहर सामान आया था वो भी लो स्वीकार कर लो, और बाहर का सामान अंदर गिरने लगे वापस जो निकाला था। सारे लोग सोचने लगे, हम तो सोचे ये पागल है, ये तो महा पागल निकला। तो क्या किया, तो लोगों ने कहा नामदेव तू पागल तो नहीं हो गया क्यों, कहे पड़ोसी लोग सब ए हम तो वस्तु बचा रहे और ये सब झोंकत जाए, ये नामदेव तो बोरा गया लगता, हम तो वस्तु ही निकाल रहे हैं, ये तो वापस डाल रहे हैं। सब बोले अब छोड़ो इसका, ये खुद ही नुकसान कर रहा है, छोड़ दो इसको। सब लोग चले गए, सब लोगों ने कहा नामदेव ये क्या लगा रखा है। उसने कहा नामदेव जी ने, अरे तुम जानते हो ये जो काला काला अंदर जो काला काला जो तुम्हें धुआं लग रहा है ना, ये जल रहा है, ये कोई और नहीं है, काले काले मेरे ठाकुर बांध के बिहारी है, और ये जो तुम सोच रहे हो ना ये लाल नूर, ये लाल जो है लाल ये दिख रही है आग, ये लाल और ये पीली आग नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी के पीले पट हैं, और ये जो चट्ट पट की आवाज आ रही है ना, ये मेरे ठाकुर जी पैरों से थिरक रहे हैं। कहे नामदेव ये कारो कारो धुआं नहीं, मोहे तो दिखत शाम वरण कन्हैया है, मोहे तो लगत मेरो सावरो कन्हैया है, लाल पीली लपट नाही पीत पट कटी माही, चट पट धनी पग पटक नचैया है, चट पट धनी पग पटक नचैया है, अरे ये कोई और थोड़ी ना, चट पट ध्वनि पग पटक नचैया है, चट पट
ध्वनि पग पटक न चलिया, ये चटपट ध्वनि जो आ रही है ना तुम्हें, ये तो साक्षात ठाकुर जी नाच रहे हैं मेरे, जैसे काए पूरा पागल हो गया तो सब छोड़ छाड़ के गए। जब छोड़ छाड़ के चले गए तो ठाकुर जी प्रकट हो गए अग्नि में से, कहा नामदेव तू धन्य। ठाकुर जी ने कहा नामदेव तू मुझे ही बदनाम करते, मैंने तेरे घर में आग लगाई है क्या, मेरे को बार बार ले और बदनाम कर दे कि मैं ही हूं मैं ही हूं मैं। तो नामदेव जी बोले, लोग बोले रह गयो अकेल नामदेव तो प्रगट प्रभु, कहत बिहसी दावानल को अचैया है, घर को जलावे आग नाम तू लगावे मेरो, बड़ो है तू ठीठ बड़ो वेणु को बजैया है, कहे नाम देव ये कारो कारो धुआ नहीं, मोहे तो लगत मेरो सावरो कन्हैया है। देखा जब कहा ठाकुर जी ने फिर क्या किया, ठाकुर जी से नामदेव जी ने कहा सुनो ठाकुर जी, नामदेव ने कहा, ठाकुर जी बोले बता दे। तो नामदेव ने कहा मैं किसका हूं, तो नामदेव भगवान ने कहा आप तू मेरा है। अच्छा मेरा घर किसका है, बोले मेरा है। तो बोले मेरे घर की चीजें किसकी है, तो बोले मेरी है। ठाकुर जी बोले मेरी है। तो बस ये आग किसने लगाई, तो ठाकुर जी के मुंह से निकल गया भैया मैंने लगाई, खुश हो जा तू। तो इस कारण से ठाकुर जी को वहां पे भी नामदेव जी ने जो है दर्शन दिया आग में, नाम ठाकुर जी ने स्मरण किया। अगले दिन रुक्मिणी चलो भागो यहाँ से, कहाँ चले, चलो जल्दी से, नामदेव का सारा घर जल गया, चलो नामदेव के यहाँ छप्पर छाएंगे नया। तो जैसे ही रुक्मिणी जी आई दोनों के दोनों आए, छप्पर नामदेव का छाने प्रभु बन आए बेलदार, छप्पर नामदेव का छाने प्रभु बन आए बेलदार। ठाकुर जी और श्री रुक्मिणी जी दोनों बिल्कुल मस्त पोशाक में आए और बेलदार बन करके आए, और पूरा का पूरा भगवान ने स्मरण किया, विश्वकर्मा प्रकट हो गए, भगवान ने स्मरण किया, सारे के सारे देवता प्रकट हो गए कि नामदेव जी के यहाँ पूर्ण सुरक्षा और सारी सुविधा के साथ इस छप्पर को तुम छाओ। तो साक्षात अपने हाथ से ठाकुर जी ने उठा उठा करके एक एक महाराज लकड़ी फूस सब अपने हाथ से लगाई है। धन्य है ऐसे नामदेव जी। एक बार सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के विषय में तो पढ़ रखा होगा ना, एक बार सिकंदर लोधी ने कहा इनसे कि भगवान आप तो साहब से मिले हो ना, हमारे साहब से यानी भगवान से तो मिले हुए हो, तो कुछ करामात ही दिखा दो। तो इन्होंने कहा भैया मैं क्या करामात जानू, मैं तो जितना कीर्तन वीर्तन करता हूँ थोड़ा बहुत अन्न वन आता है वही संतों के साथ बांट करके पाता हूँ, और संतों के साथ बांट करके पाता हूँ तो बस उन्हीं की कृपा हो रखी है इसलिए लोग मुझे जानते हैं, बाकी मेरे अंदर कुछ नहीं है। तो कहा नामदेव ने कहा प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा कि कुछ तो, जब आगे चले नामदेव जी उनके महल के बाहर तब देखा कि एक गाय जो है वो मरी हुई है। जब गाय मरी हुई देखी तो नामदेव जी को स्मरण में आ गया क्या, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। तो कहा कि भगवान गौ ब्राह्मण संत इत्यादि वैष्णवों के लिए तो अवतार लेते हैं, तो देखा गाय मरी हुई है तो बहुत दुख हुआ। तो इन्होंने क्या किया, नृप सो मलेच्छ बोली कहीं मिले साहिब को, दीजिए मिलाए करामात दिखराइए, होए करामात तो पे काहो को कसब करे, भरे दिन ऐपे बाटी संतन सुखाइए, ताही के प्रताप आप इहां लो बुलाए हमें, दीजिए जीवाए गाए घर चली जाइए, दैले जीवाए गाए सहज सुभाए ही में, अति सुख पाए परयो मन में ही भाइए, गाय जीवा दी। तो राजा प्रसन्न हो गया वो लोधी, तो उसने क्या किया, एक मणि जटित बैल शैया इनको दी, इनको कहा लो आप ले जाओ। तो इन्होंने कहा ठाकुर जी के लिए ये शैया काम आएगी, जैसे ही अपने सर पे उठा करके बोले कि चिंता मत करो मेरे सैनिक ले जाएंगे इसको, कहा नहीं नहीं मैं ठाकुर जी के लिए ले जा रहा हूँ अपने आप ले जाऊंगा।
तो कहा चार पांच बॉडीगार्ड तो ले जाओ साथ, इसको देख करके चोर उचक के आपके पीछे पड़ जाएंगे। जब नामदेव ने सोचा कि भाई इतने मणि जटित आभूषण के बैड को मैं लेकर के जाऊंगा तो इसको लेकर के तो भय है कि कोई छीन ना ले, और फिर मेरे भजन में विक्षेप, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा मणि जटित जो शैया थी वो यमुना जी में डाल दी। अब यमुना जी में डालते ही राजा को खबर पड़ गई। जैसे ही राजा को खबर पड़ी तो राजा ने क्या किया, राजा ने कहा बुलाओ उसको जरा, उसकी कैसे हिम्मत हो गई। तो राजा ने कहा भगवान जो मैंने आपको शैया दी थी ना, एक बार आप वापस ला करके मुझे दिखा दो, मुझे 10-20 और बनवानी है। तो नामदेव जी समझ गए। तो नामदेव जी ने कहा वो तो मैंने यमुना जी में प्रवाहित कर दी। जब इन पे आक्रोश किया तो क्या किया, भगवान की इच्छा शक्ति से इन्होंने भगवान का नाम लिया और भगवान के नाम से अनेक शैया यमुना जी में प्रकट हो करके इनके पास आने लग गई, उससे भी बढ़िया बढ़िया शैया। और इसी को नाभा जी कहते हैं, भूप सुनी चौकी परयो लाओ फेरी ल्यार करो, कहीं देख आनी को दिखावो कीजे नहीं है, जलते निकासी बहु भाती कही डाली तट, लीजिए छिपानी देखी सुधी बुधी गई है। लोधी चरणों में पड़ गया और इनको प्रणिपात किया। ये कुछ अंश फिर से श्री नामदेव जी का चरित्र आज हम लोगों ने श्रवण किया। वांछा कर पत्र दशक पत्रा नाम कल का कथा भी सुना सकते। हरे कृष्णा, कल का कथा कौन सुनाएगा? आज गौर सुनते तुम सुना आ जाओ। कल किसने सुनाया था? तुम करेगा। हरे कृष्ण। हाँ देखो, जो नामदेव का चरित्र है वो महाभागवत है, इसलिए वो महाभागवत होने का नथन का जो लक्षण है सबको अंदर में जो भगवान को दर्शन करे, इसलिए हम इतने बड़े संतों का जो अनुकरण नहीं कर सकते। मतलब वो जैसे कुत्ते को ठाकुर को भोग लगाए नहीं, कुत्ता रोटी लेकर के जा रहे हैं और कुत्ते को पीछे भागे उसमें घी लगा, हम इसको नहीं कर सकते। अगर आप भी बोलोगे हम भी कुत्ते को पीछे भागे और बोले नहीं, हमारा क्या कर्तव्य है सबसे पहले ठाकुर जी को कोई भी चीज़ बने, हैं जैसे गैया को सबसे पहले कोई गैया को खिलाते हैं नहीं, गैया को नहीं, गैया के जो पिता है वो भगवान है, हैं इसलिए सबसे पहले हमें भगवान कृष्ण को हमें सबसे पहले भोग लगानी चाहिए। वो भोग लगा करके वो प्रसाद भी हम गैया को दे सकते हैं और किसी को भी हम दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले किसको भोग लगानी चाहिए? ठाकुर जी को भोग लगानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाए उसका पहला जो भाग है, जैसे घर में रोटी बन रही है, सब्जी बनी, जब तक हम ठाकुर जी के लिए नहीं निकाल लेते, अगर जल्दी जल्दी हो रहा है बच्चा स्कूल जाएगा है उसको जल्दी जल्दी खिलाना, लेकिन सबसे पहले क्या करो, पात्र में ठाकुर जी के लिए अग्रभाग उसका पहला भाग ठाकुर जी के लिए रोटी सब्जी ठाकुर जी के लिए पहले उठा दो, उठा करके ठाकुर जी के लिए निकल गया, फिर बच्चियों को नहीं तो पतियों को किसी को खिलाओ, लेकिन सबसे पहले किसी को खिलाओ? ठाकुर जी। बोले क्योंकि कृष्ण ही तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु स सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव। इसलिए भगवान सारे कारणों का जो मूल कारण है ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और एकादशी को एकादशी व्रत रखते कि नहीं? कौन कौन एकादशी व्रत रखते हैं? इसलिए देखो उसमें नियम है, एकादशी का दिन अन्न भोजन भी नहीं करनी चाहिए और किसको देनी भी नहीं चाहिए। भोजन करना जितना पाप, देना भी उतना पाप। देखो यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं आ गए परीक्षा करने के लिए, ये नामदेव का एकादशी का प्रति कितना निष्ठा, ठाकुर स्वयं आ गए लेकिन भगवान तक भी उन्होंने भोजन नहीं किया, अन्न उनको नहीं दिया, मना कर दिया। इसलिए ठाकुर जी उनको परीक्षा कर रहे थे कि एकादशी में इतने इनकी कितने निष्ठा है, इसलिए हमारी भी एकादशी का प्रति हमारी ऐसे निष्ठा हमारी भी होनी चाहिए। एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। अगर जैसे तुम्हारी घर में आप बोलोगे भैया हमारा पति तो मानता नहीं, वो तो कहता है हम रोटी सब्जी खाएंगे, देखो खाना ही तो चाहते हैं ना, खाना ही तो और कोई नहीं। इसलिए कुट्टू आटा में बड़े सुंदर सुंदर उसमें भी पकौड़ा बनती है,
उसमें भी पूरी बनती है, उसमें भी रोटी भी बहुत सुंदर, उसमें आलू मिला करके अरवी मिला करके बड़ी सुंदर रोटी भी उसमें बनती है, है? और आलू की सब्जी बना दो, हाँ घी दे करके नहीं तो तेल देकर अच्छे तरह से आलू की सब्जी बनाओ। सब्जी के लिए तो बहुत सारी सब्जी है, काशी फल का भी सब्जी बन सकती है, खट्टा डाल कर काशी फल का सब्जी भी बना सकते हो, आलू की सब्जी और उसको रोटी खिला दो। किस चीज की रोटी? कुटो आटा और उसमें आलू डाल करके नहीं तो अरवी डाल कर, बड़ी सुंदर रोटी। उनको क्या पता है, पुरुष लोगों को इतना पता नहीं होता है, वो कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए उनको तक उनको मोल है, उनको खानी चाहिए उनको, इसलिए उनको भोजन चाहिए, उनको बड़ी उनको बताया मत कर। अगर मानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते उनको बोलना नहीं आज एकादशी ये नहीं खाना, लेकिन घुमा फिरा करके उनको एकादशी व्रत घुमा फिरा करके कर देना। इसलिए पुराने में कथा आती है, कहते कोई एक राजा की शादी हुई, लेकिन उनका जो लड़की की जो पीहर वाले वो तो एकदम पक्के वैष्णव है, ये पक्के वैष्णव है, एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करते, किसको नहीं देते। लेकिन क्या हुआ, ठीक एकादशी का दिन दामाद आ गया, आपको पता होगा दामाद को तो ठाकुर मानते हैं, ठाकुर जी को ठाकुर मानते, लेकिन उनको नियम है पूरा पक्के वैष्णव है। अभी उन्होंने दामाद का और पहले जो व्रत करते थे निर्जला व्रत रखते थे, अब जैसे फल मूल हम खा लेते हैं, पहले ऐसे था नहीं, पूरा निर्जला व्रत रखते थे पति। उन्होंने दामाद आने पर भी भोजन उनको नहीं दिया उन्होंने, और दामाद ने एकादशी का निर्जला उनको व्रत रखना पड़ा नहीं चाहने पर भी। अब दूसरे दिन प्राण त्याग दे सीधा ठाकुर के पास में गए। एक एकादशी अगर अनजान में, पहले बताया ना, अगर एकादशी का दिन पता नहीं आज एकादशी, पति पत्नी में सबर लड़ाई हो जाए, देखना दो एक दिन अपनी अब एकादशी चलती रहती है, अपनी अब एकादशी चलती है, इसलिए उनको पता नहीं चला एकादशी सबरे हो गया, ठनवल लग गई तो तू मेरी मेरी हो गई। तो पति बोला खाओ, बोले खाओ क्या, मैं बनाऊंगी तब तक खाओगे, मैं भी आज बनाऊंगी, बस उनको पूरा निर्जला व्रत हो गया। तो अगली जीवन में उनको राजा रानी बन करके जन्म लेते हैं, मतलब अनजान में भी जैसे आ गए, आपको पता नहीं ये आ गए, अगर अनजान में अगर हाथ दोगे तो छोड़ेगा आग, जलाएगा, आपको पता नहीं ये जहर है, आपको पता ही नहीं, अगर अनजान में खा लोगे छोड़ेगा आपको, नहीं छोड़ेगा। उसी तरह भगवान की भक्ति अगर अनजान में भी हो जाए उसका फल ठाकुर जी जरूर हमें देते हैं। अज्ञान निरंजनस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री रघु स्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानंद गुरुवर के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में। कल हम लोग गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कृष्ण कथा की महिमा। भागवतम में अनेक अनेक जगह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में कृष्ण कथा की महिमा बताई गई है। तो पहले हमने श्रवण किया था किस प्रकार गोपियां वर्णन कर रहे थे कि तव कथा मृतम तप्त जीवन गागरे बोलो बड़े चित्र से तव कथा मृतम तप्त जीवन भगवान कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश देते समय उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायन कथा ताजोष्णा आशु अपवर्ग वर्तमिनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। इस श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्ण कथा कैसी है, रसायन, कृष्ण कथा रसायन के साथ में इसकी तुलना करें। रसायन क्या होता है, 10 प्रकार की जड़ी बूटी, गुरुदेव का बता रहे थे 10 प्रकार की जड़ी बूटियों से तैयार करके रसायन बनाया जाता है।
और इस रसायन को पान करने से क्या होता है, सारे रोग व्याधि चले जाते हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है। तो उसी प्रकार ये कृष्ण कथा जो है, कृष्ण कथा क्या है, रसायन स्वरूप है। और ये रसायन अगर इस कृष्ण कथा को पान करेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति पथ में, हमारी भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमें कोई भी हमें बल मिलेगा, हम हृष्ट पुष्ट एकदम सुस्त भाव से इस भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो पाएंगे। उसी क्रम में शुकदेव गोस्वामी ने एक श्लोक के माध्यम से कृष्ण कथा की महिमा वर्णन कर रहे हैं कि निवृत्त तर्षे रूप गीयमानात् भवशत छोत्र मनोभिरामान् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् बिना बिना पशुना। इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं कि निवृत्त तर्षे रूप गीयमानात् भव औषध छोत्र मनोभिरामात्। कृष्ण कथा क्या है, भव औषध छोत्र, हम सब क्या है, इस कृष्ण कथा इस भव सागर में किसी ना किसी प्रकार से पीड़ित हैं, फंसे हुए हैं। तो कृष्ण कथा हमको इस भव सागर से पार करने के लिए औषध के रूप में, एक औषध मतलब दवाई के रूप में है। और दवाई के रूप में अगर इस कृष्ण कथा की तुलना दवाई से कर रहे हैं, दवाई कैसी कड़वी होती है ना, तो क्या बता रहे हैं, ये कृष्ण कथा भी कड़वी है, बोले नहीं। भव औषध छोत्र मनोविरामान, हमारे ये क्या है, बड़ी ही मधुर है और ये हमारे मन को, हृदय को और कर्ण को आनंद प्रदान करने वाली है, इतनी मधुर है ये कृष्ण कथा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब परीक्षित, जब शुकदेव गोस्वामी उन्होंने परीक्षित महाराज को ये कृष्ण कथा सुना रहे थे, तब उन्होंने भी यही बात कही कि हे परीक्षित, तुम यहाँ बैठकर बस इस निरंतर कृष्ण कथा का पान करो और जब तक तुम्हें हृदय में अनुभूति नहीं हो जाती कि मैं इस भव सागर से ऊपर उठ चुका हूँ, तब तक मैं तुम्हें निरंतर ये कृष्ण कथा सुनाता रहूंगा। यही बोलकर उन्होंने बताया कि भव औषध छोत्र, कि ये औषध, ये जिस प्रकार औषध कड़वी होती है, ये कृष्ण कथा कड़वी नहीं है, ये मनोभिरामात्, मनो को भी, मन और हमारे हृदय को और कर्ण को आनंद प्रदान करने वाली है, इसलिए इसका नाम बताया कथा। गुरुदेव बता रहे थे क मतलब रस, क मतलब रस, और था मतलब जो हमें कृष्ण भक्ति रस में स्थापन कर दे वो है कथा, ये है कृष्ण कथा। अभी आप बता रहे हैं कि निवृत्त तर्षे रुक्मीयमानात्, इस कृष्ण कथा को श्रवण किस किस ने किया, तो बताया शुकदेव गोस्वामी, चतुसंत आदि आदि ब्रह्म ज्ञानी जो है, जो शुकदेव गोस्वामी के लिए क्या बताया कि वो ब्रह्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे, लेकिन उनको भी जब उन्होंने इस कृष्ण कथा के विषय में सुना, भगवान कृष्ण का किस प्रकार रूप माधुर्य है, उसको एक श्लोक केवल श्रवण किया और उसको श्रवण करने मात्र से ही क्या हो, इस कृष्ण कथा के प्रति आकर्षित हो गए, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए। उसके बाद में बताया यहाँ पर कि चतुसंत, चतुसंत के विषय में भी हमने यही सुना है, कैसे वो भगवान के चरण की तुलसी, चंदन और तुलसी की गंध से ही आकर्षित होकर वैकुंठ की तरफ दौड़े दौड़े चले आए, वो भी पहले क्या ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन बाद में भगवान के चरण कमलों की तुलसी का ऐसा उन्होंने आस्वादन किया कि अब निरंतर जो है कृष्ण कथा का ही ज्ञान करता, का ही गान करते हैं। तो ऐसे ऐसे निवृत्त तर्षे रुक्मीय माना, जो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी है, जिनकी जो इस संसार बंधन से पूरे रूप से निवृत्त हो चुके हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, कृष्ण कथा का पान करते हैं। फिर बता रहे हैं भव औषध छोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवाद, ऐसे भगवान कृष्ण की। अब यहाँ पर एक चीज और बता रहे थे गुरुदेव कि जो वक्ता और श्रोता, जो कृष्ण कथा सुनने में, श्रवण में और कीर्तन दोनों में ही आनंद है, लेकिन बताया जाता है कि वक्ता को ज्यादा आनंद होता है, क्योंकि जैसे अगर कोई कृष्ण कथा वर्णन कर रहा है तो श्रोता हो सकता है शरीर से तो वहां पर उपस्थित है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, मन देकर कृष्ण कथा सुन नहीं रहा, तो इसी वजह से श्रोता से अधिक फल वक्ता को मिलता है, क्योंकि वक्ता को पूरा आवेश होकर, पूरा आवेश होकर वक्ता जो है कथा का गान करता है। इसलिए बताया कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीम पुनादि वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रितम पाद सीलनम यथा। इस श्लोक के माध्यम से गुरुदेव ने बताया था कि तीन गंगा है, एक है स्वर्गलोक में, एक है पृथ्वीलोक में और एक है पाताल में। स्वर्गलोक में जो उसका नाम क्या है, भागीरथी मंदाकिनी, उसका नाम बताया गुरुदेव ने मंदाकिनी। तो मंदाकिनी क्या करती है, वो स्वर्गलोक को पवित्र करती है। जो इस भूलोक पर है उसका नाम बताया भागीरथी, तो वो भागीरथी इस पृथ्वीलोक को पावन करती है। और जो पाताल लोक में है उसका नाम बताया भोगवती, तो एक भोगवती पाताल लोक को पवित्र करती है। इसी प्रकार कृष्ण कथा जो है वो तीन लोगों को पवित्र करती है, किस किस को,
बताया वक्तारम जो वक्ता है उसको पवित्र करती है, प्रच्छकम जो प्रश्न करता है, और श्रोत्रेश जो सुन श्रवण करने वाले लोग हैं। इसके बाद में बताया है कि ये कृष्ण कथा बिना कुमार विरिंजे बिना पशुनाथ, इसके अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े सुंदर रूप में बता रहे हैं कि जो इस कृष्ण कथा को पान नहीं करते वो कौन है, पशुनाथ, पशु का वध करने वाले बहेलिया है वो लोग, क्योंकि इतने इतने मधुर कृष्ण कथा होने के बाद में भी उसका पान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि जो कृष्ण कथा को छोड़कर, जो ठाकुर की सेवा को छोड़कर धर्म कर्म, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चीजों में लिप्त रहते हैं वो लोग भी, वो लोग बहेलिया है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा ही सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, और उसको छोड़कर जो लोग कर्मकांड में या ज्ञान में मुक्ति में इत्यादि में जो लिप्त रहते हैं वो लोग पशुनाथ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस रूप में बड़ा ही इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है इस श्लोक में। उसके बाद में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया यहाँ पर कि भगवान कृष्ण जो है हमारे कुल देवता है, तो वो सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप उनकी कथा जो है हमको विस्तृत रूप में सुनाइए। यद्यपि पहले बताया गया है कि तत्र अंशेन इसकी व्याख्या करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे थे कि कृष्ण कथा अनंत है, उसको अनंत देव अनंत मुखों से भी यदि वर्णन करे अनंत समय के लिए तब भी उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। फिर भी परीक्षित महाराज यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि आप विस्तृत रूप में हमें कृष्ण कथा को श्रवण करवाइए। और एक चीज उन्होंने यहाँ पर बताते हुए कह रहे हैं कि रोहिणी नंदन जो बलराम है वो रोहिणी माता के नित्य पुत्र है, किंतु एक समय पर आप ये भी कह रहे हैं कि वो देवकी के गर्भ में भी आए हैं, तो एक देह से वो दो माँ के गर्भ में किस प्रकार आ सकते हैं, इसके विषय में भी उन्होंने जिज्ञासा करी। तो इसके आगे के जो वृत्तांत है वो हम गुरुदेव की मुखारविंद से श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, आज टाइम हो गया, मैं 5 मिनट सुना देता हूँ और आपसे एक प्रश्न करता हूँ। देखिए प्रश्न है, जैसे मुझे लगता है रात 8-8:30 कभी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी बाजार सुनसान हो जाता है, कभी कभी माताओं को जाने में कठिन होता है, इसलिए और एक प्रस्ताव मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो ये प्रस्ताव है, जैसे हमारी जो अक्सर करके मंदिर में जो कथा होती है, प्राय करके मंदिर में वो आरती के पहले तक कथा होती है, उसके बाद आरती, उसके बाद में फिर घर में चले जाते हैं, उसके बाद घर में चले आरती के बाद में फिर अपना घर, अपना घर गृहस्थ। अब तो हमारे जैसे साधु नहीं हैं, जैसे आपका बीवी बच्चे पति सबको खिलाना पड़ता, संसार देखना पड़ता, फिर ये हमारी मार्केट में भी सुनसान हो जाता है, किस किसी माताओं को जाने में भी कष्ट होता है, इसलिए आपसे एक परामर्श मांग रहा हूँ, अगर हम ऐसे करें जैसे कथा को कितने बजे आरती होती है, 6 बजे, हम आरती को थोड़ी सी आगे बढ़ा करके 6:30 बजे आरती कर लेंगे, लेकिन जो कथा है 6:30 तक, जैसे 5:30 से 6:30 तक कथा और 6 बजे आरती हो जाएगी, 6:30 तक कथा और 6:30 बजे आरती, उसके बाद में बस 7 बजे अंधेरे में आप घर में पहुंच जाओगे। आपसे ये परामर्श मांग रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये अभी धीरे धीरे ठंडी बढ़ेगी, ठंडी बढ़ने पर क्या होगा, धीरे धीरे और भी ज़्यादा सुनसान हो जाएगी, है ज़्यादा सुनसान मार्केट, फिर आप लोगों को घर जाना पड़ेगा, इसलिए हमारी हर मंदिर में ऐसे ही होता है, आरती का पहले तक कथा होती है, उसको बाद में सबके सब आरती दर्शन करके आप 7 बजे अंदर में आप घर में पहुँच जाओगे, मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा। ठीक है, कल से जो कथा है, इसलिए नहीं सबके सब जब धीरे धीरे एक दिन दो दिन फिर धीरे धीरे आने लग जाएंगे, इसलिए अब आप लोग पुरुष लोग क्या सोचते हो, पुरुष लोग आप लोग नहीं, हम जो जो काम करने के लिए जो काम कर, माताएं तो घर में रोटी बनाएंगी, लेकिन इनके पुरुष लोगों को अपना दुकान का काम करना पड़ता है ना। अब लोग 5:30 बजे आ सकते हो, अरे बोलो, हाँ तो सुबह सुबह तुम भी आ सकते हो ना, दुकान का, अरे आप लोग पीछे जो बैठे,
कैसे आप लोग बताओ बताओ पुरुष लोग क्या बोल रहे हैं? ट्यूशन होता है इनका, इनका ट्यूशन होता है आपका। 5:30 बजे आना कठिन है ना, आ जाएंगे। 5 बजे खत्म हो जाते ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको पास में जो बैठे त्यागी जी, आप कभी भी आ सकते हो। आपको तो कभी आपको आ सकते हैं ना, आप आ सकते हो प्रभु जी। आपके लिए दिक्कत है, आप श्याम सुंदर प्रभु जी। हाँ तब ठीक है। और हमारे लड्डू गोपाल प्रभु जी, लड्डू गोपाल इन तो कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे आपके पास में जो बैठे हैं आ सकते हैं ना। हाँ अरे माता है तो सब आ सकते, क्योंकि घर की रोटी आप के लिए तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आप 7 बजे अंदर में पहुंच जाएंगे। घर की रोटी पतियों को बच्चियों को आप देखभाल कर सकते, आपके लिए तो कोई मुझे तो है ना, ठीक ठाक है ना। इसलिए कल 5:30 से लेकर के 6:30 तक कथा हो जाएगी, उसके बाद में आरती, और उसके बाद में आप जल्दी जल्दी, क्योंकि हम भी चाहते हैं आप लोग भी सुविधा नहीं। ठीक है ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। ओम हम केवल 5 मिनट कथा सुनाऊंगा, ठीक है, कल से फिर ज्यादा सुन। ओम अज्ञान तिमिरं धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं विजयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल्याण हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था? श्री बलदेव प्रभु कैसे अब कह रहे हो श्री रोहिणी की बेटा भी और देवकी की बेटा है, एक व्यक्ति कैसे संभव है, दोनों माँ की बेटे कैसे हो सकता है बगैर शरीर छोड़े, एक का बेटा बन करके उसके बाद में फिर दूसरे का बेटा बन सकता है। आप कह रहे हो ये दोनों का ही बेटा, ये कैसे संभव है? फिर प्रश्न करते हैं कृष्ण कैसे उन्होंने गोकुल में जन्म मथुरा में प्रकट हुए, फिर प्रकट होकर के उन्होंने क्यों, फिर उन्होंने गोकुल में क्यों गए, फिर गोकुल में जाकर के उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या लीला की, और उसको बाद में कृष्ण फिर मथुरा में जाते हैं, जा करके फिर कंसों को वध किया, फिर कंसों को मार करके फिर प्रभु द्वारका जाते हैं, फिर 16,160 पटरानियों को साथ में शादी करके हर स्त्रियों से 10-10 बेटे एक एक बेटी जन्म लेती हैं, फिर उन्होंने कैसे ऋषियों का अभिशाप ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में गए और अपना लीला को समाप्त कर दिया। इसलिए जो पूछा और जो नहीं पूछा आप कृपा करके विस्तृत करके इस सारी कथा को हमें सुनाने का कष्ट करें। जब उन्होंने ये प्रश्न की फिर उसको उत्तर देते हैं, बोले भगवान जगत में आए क्यों, किस लिए आए, उसका कुछ साधारण कारण और उसका कुछ विशेष कारण है। वो साधारण कारण क्या है, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। उसी समय में क्या हुआ, जितने सबके सब राजा लोग थे बड़े अधर्मी थे, राजा रूप में एक तरह से वो दैत्य दुष्ट थे और बड़े अत्याचार कर रहे थे, हैं राजा होकर के अगर राजा अगर अत्याचार दुष्ट होना फिर तो प्रजा भी सबके सब दुष्ट हो जाते हैं।
और ये पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई इनके अत्याचार से, उन्होंने बड़े दुखी हो गई, उन्होंने बड़े दुखी होकर के उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी को पास में जाकर के सारे दुख का बात बताया, कैसे ये राजन कैसे बड़े अत्याचार कर रहे हैं। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी फिर गए श्री शंकर जी को पास में, उसके बाद में फिर गए इसको पास में, इंद्र को पास में, इस सब के सब गए खीर समुद्र के तट पर। तो यहाँ पर कहते उन्होंने शंकर जी को पास में क्यों गए, फिर उन्होंने इंद्र को पास में क्यों गए, बोले कारण है शंकर जी कौन है, ये संहार करता दुष्टों को संहार करने वाले शंकर है। बोले इंद्र को पास में क्यों गए, बोले ठाकुर जी इंद्र को बोल सकते हैं तुम जगत को पालन करना, इसलिए ये दोनों व्यक्ति को लेकर खीर समुद्र के पास में पुरुष सुक्त मंत्र से उन्होंने भगवान को उन्होंने वंदना की। जब वंदना की इतने में आकाशवाणी हुई, बोले हे देवताओं मैं तुम्हारी दुख को पहले ही जान चुका हूँ, मैं पहले ही जान चुका हूँ तुम्हारे दुखों को, इसलिए चिंता मत कर, जाओ तुम लोग जा करके ये जद्दुवंश में जन्म ग्रहण करो। जद्दुवंश में जैसे श्री उद्धव जी है, सात्विक है और जितने देवियों को बोले तुम सब के सब गोकुल में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करो। तब यहाँ पर प्रश्न करते हैं भैया देवता लोग स्वर्ग का देवता लोग कौन है, कद इनका पुण्य खत्म होते फिर ये लोग गिरते हैं। देवियां भी ठीक वैसे वो पोस्ट भी कुछ दिन के लिए है, उनका भी पुण्य खत्म होते फिर वो गिरते हैं। फिर ये ब्रज गोपी बनकर के कैसे ये देवी जन्म ग्रहण कर सकते हैं, फिर ये देवता लोग भी ये लोग कैसे जदुवंश, जदुवंश कौन है, ये कृष्ण के परिकर है, कृष्ण भक्त है, ये साधारण लोग कैसे ये देवता रूप में कैसे जन्म ग्रहण कर सकते हैं, यहाँ प्रश्न है। कहते यहाँ पर भगवान जब वामन रूप में स्वर्ग में रहते हैं, कहते ये मन्वंतर अवतार में जब ये वामन बनते हैं उनके जितने स्त्रियां हैं वो सबके सब लक्ष्मी हैं। इन लोगों ने जब ब्रज गोपियों की राधा रानी की महिमा को इन लोगों ने सुने, इनके हृदय में भी इच्छा हुई हम भी राधा रानी की आनुगत्य में गोपी देह प्राप्त करते हुए हम भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए वो जो देवस्थ स्त्रियां हैं ये वामन देव का ये सबके सब पत्नियां हैं, ये लक्ष्मी हैं, इनके हृदय में भी भावना है ये राधा जी के आनुगत्य में गोपी शरीर में हम भी भक्ति करना चाहते हैं। फिर जितना देवता लोग कहते साधारण देवता कैसे जदुवंश कैसे बन सकते हैं, बोले नहीं इन लोगों ने जो नित्य परिकर कृष्ण का जो जदुवंशी है उनको अंदर में तदात्मा मतलब मिल करके जगत में प्रकट हुए, लेकिन उनके अंदर में इतनी शक्ति नहीं देवताओं का जो कि सब के सब जदुवंशी हो सकते हैं, इसलिए इन लोगों ने जब जन्म ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ पर कहते जो ब्रह्मा को जो क्षीरोदशाई विष्णु ब्रह्मा जी क्षीरोदशाई विष्णु का दर्शन नहीं कर पाए, केवल ध्यान में उन्होंने देखा, उन्होंने केवल आकाशवाणी रूप में बताया, इसका मतलब है ब्रह्मा का भी शक्ति नहीं जो भगवान को दर्शन कर सके क्षीरोदशाई विष्णु को, केवल एक आकाशवाणी ध्यान रूप में उन्होंने ये चीज को दर्शन किए। जब यहाँ पर दर्शन किए कहते वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषम परम जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियम विष्णुर्माया भगवती जया सन्मोहित जगत आदिष्टा प्रभुनांसेन कार्यते संभविष्यति। यहाँ पर कहते हैं फिर उन्होंने यहाँ पर कहते हैं विष्णुर्माया भगवती, कहते जो माया है ये भगवती माया बोले सन्मोहितम जगत, कहते माया की दो काम है, बोले क्या काम है, कहते एक स्वरूप के द्वारा ये जगत में जीवों को मोहित करता है और दूसरे स्वरूप के द्वारा जो जीव भगवान का तरफ में बढ़ना चाहते हैं उनको भी भगवान को साथ मिला देता है, और दूसरे स्वरूप में जो माया कृष्ण लीला को भी मदद करती है, एक स्वरूप में जीव को मोहित करके संसार में दुख कष्ट देती है, दूसरे स्वरूप में भगवान की लीला में भी मदद करते हैं। ये माया की बड़ी ताकत है, ये माया की बड़ी ताकत है, माया की है, ये माया ने माया मतलब क्या है, जो जो चीज नहीं है उसको वो चीज करा देना, ये माया का काम है। हम ये शरीर नहीं है लेकिन हम माया से क्या कर रहे हैं, अगर किसको पूछे भैया तुम कौन है, बोले मैं अमुक हूँ, अमुक का पत्नी है,
हमारे अमुक ये घर है, ये हमारे बीवी बच्चे सब दुनियादारी है, हैं? ये किसकी, ये क्या है? माया। लेकिन सचमुच से क्या सही है? अगर पति पत्नी होते दुनिया होते एक दिन बाद फिर क्यों छोड़कर जाते हैं? फिर दुनिया छोड़कर क्यों फिर चले जाते हैं? देखो एक समय कृष्ण सुदामा जब गुरु गृह में पढ़ने के लिए गए थे, एक दिन कृष्ण सुदामा जा रहे थे स्नान करने के लिए। सुदामा ने पूछा कृष्ण को, कृष्ण मैंने सुना तू क्या भगवान, और ये दुनिया को तुम माया के द्वारा सारा दुनिया को नचाते हो, कभी थोड़ा तुम्हें माया दिखाओगे? कृष्ण ने कहा कोई चिंता नहीं, समय आने पर अपना माया दिखा दूंगा। इतना बोल करके जा रहे थे, और जब जब दोनों स्नान के लिए गए थे, जब हाथ पकड़ कर डुबकी लगाई ना, एक लहरी आई और आ करके पता नहीं मारा ऐसे झपटा, और सुदामा को तो बहते बहते कहाँ ले गया। इतने में सुदामा जी का जो आँख खोली, देखा बड़े सुंदर एक राजमहल, और राजमहल से एक सुंदरी राजकुमारी हाथों में फूलों की माला लेकर के आई और सुदामा जी के गले में डाल दिया। बोले आज से तुम मेरे पति, मैं तुम्हारी राजकुमारी राजरानी हूँ, और जो राजमहल है ना ये हमारे घर है। अभी शादी हो गई और उनको बच्चे भी हुआ। जब बच्चे हुआ बड़े आनंद पूर्वक रह रहे थे, एक दिन सुनामी आ गई। सुनामी आई तो ऐसे सुनामी आई पूरा राजमहल को डुबा दिया, और उसको सामने देखते देखते एक एक बच्चा उसको सामने प्राण छोड़ रहे थे, कोशिश कर रहा था रक्षा करने के लिए लेकिन रक्षा नहीं कर पा रहा था। एक एक बच्चा जब शरीर छोड़ रहे थे, हाँ डूब करके मर रहे थे, उसको छाती फट रहा था, सब बच्चे खत्म। देखा पत्नी प्राण से जो प्यारी पत्नी, उसको भी बचाने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन वो भी बचा नहीं पा रहे थे। देखते देखते पत्नी भी डूब करके मर गई। उसको इतने में फिर एक झपटा आया, इतना बेहोश हो गया, बेहोश हो गया तो देखा इतने में कृष्ण सुदामा जो हाथ पकड़ कर डूबे हुए थे ना, इतने में कृष्ण सुदामा दोनों निकले, और सुदामा उसको वो हाँप रहा था, हाँ वो बड़ा भयान, उसको बड़े भयानक स्वरूप था, बड़े डर रहा था, कांप रहा था। कृष्ण ने कहा सुदामा तू कांप रहे क्यों, क्या हो गया? वो तो अक्के बक्के चक्के हो गए। बोले कृष्ण मैंने क्या देखा, हम तो गुरुकुल से यहाँ स्नान के लिए आए थे और हमने देखा हम क्या चले गए, मेरी शादी हो गई, बच्चे हुए और एक एक बच्चे पत्नी भी मर गए, मैंने क्या देखा? कृष्ण ने कहा सुदामा तू मेरी माया देखना चाह रहा था ना, इसलिए इतने डूबे और निकलने में मैं अपना माया तुमको दिखा दिया। शादी हो गया, बच्चे भी हो गए, वो भी मर भी गए, सबके सब। हाँ ये भगवान की ये अद्भुत ये माया, और माया के द्वारा ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, दुनिया को नचा रहे हैं। ये माया के द्वारा दुनिया को नचा रहे हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोले विष्णु और माया भगवती जया सन्मोहित जगत। उसने माया क्या कर रहे हैं, सारा दुनिया को पागल बना करके रखा, दुनिया को पागल। हम माया में क्यों आए, बोले जीव जब सृष्टि हुई, जब जीव की सृष्टि हुई, इतने में ठाकुर जी ने पूछा बताओ तुम मेरी सेवा करोगे ना, संसार को भोग करोगे? लेकिन हम लोगों ने ठाकुर को सेवा प्रार्थना नहीं किया, बोले नहीं ये संसार थोड़ा देख ले। बोले संसार देखोगे मेरी सेवा नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले जा। इतने में माया ने भगवान ने क्या किया, उसको बाहर संसार में डाल दिया। जब डाल दिया ये माया ने किया कि बोले उसको दो शरीर दे दिया, कि कितना शरीर दे दिया, ये आत्मा के ऊपर उसने दो आवरण ढक दिया, एक तो मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये आत्मा के ऊपर ये सूक्ष्म शरीर, जो शरीर हमें दिख नहीं रहा है, जो शरीर हमें दिख नहीं रहा है ये मन बुद्धि अहंकार चित्त। फिर उसको ऊपर में और एक प्रस्तर में ढक दिया, कौन, ये जो शरीर है, खिति आब तेज मरुत और बम, मिट्टी वायु जल आकाश, इसको ढक दिया। ढक करके माया ने क्या किया, संसार में फेंका, फेंक दिया तो हम संपूर्ण रूप में अपनी आप को भूल बैठे। अगर हमें पूछो ना, पता नहीं कितना कितना परिचय, अमुका स्त्री अमुका प्यारी लाल की, यही माया है। ठीक है फिर कल सुनेंगे, ठीक है, हरे कृष्णा। इसलिए हम सबके सब अपने आप को, हम जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हरे कृष्णा। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गो
Thank you.